कुछ लोग जिनके चक्कर में आज हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं, उनके प्रोटेस्ट में हम खड़े थे, इस वजह से आज हम लोग भुगत रहे हैं। उन्हें तुम समझाओ, उनके जैसे वीडियो डाले कमेंट बॉक्स में जाके उन्हें लिखो कि हमारा साथ दो, आज हमारे तुम्हारी वजह से मेरी लुटिया डूब रही है ससुरा, तब तो हाल आ गए थे, हमारे प्रोटेस्ट में आ जाओ, तुम्हारे प्रोटेस्ट में आए हम, ट्वीट करा और आज हमारा प्रोटेस्ट हो गया, अब कौन है हमारे साथ। भाई मैं बस इसलिए खड़ा हूँ कि हम सभी लोग एक होके अब जो है एसएससी के लिए कुछ करें, एसएससी के कानून तक आवाज पहुंचाएं। ये लोग नहीं आएंगे आपके साथ, आप इनका कोर्स परचेस करेंगे और वहीं आप बिकाऊ हो जाएंगे, आप भी इनके बिके हुए हो जाएंगे। कोर्स परचेस कर लिया, चमचे बन गए उनके चमचे, अपना ये ऊपर का माला अगर खोल के सोचें तो आपको भी पता चलेगा कि हमने इनके लिए कितना कुछ किया। हर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उनकी, और आज उनने हमें क्या दिया, धोखा, केवल धोखा। तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूँ यार, ऐसे लोगों का साथ मत ही दो, और मेरा देना अगर आपको लग रहा है मैं कुछ भी सही कह रहा हूँ 1%, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर दो, और हम लोगों को अपना जो है ट्विटर पे चलाना होगा, प्रोटेस्ट वो चल रहा है भाई, SSC CHSL फॉर्म रिजेक्टेड, तो उसमें सपोर्ट करो, और वीडियो को शेयर करना है आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे MTS और CGL के लिए हमें मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाए। और बाकी आप भूल जाओ कि कोई भी मस्त साहब आपके लिए बोलेगा, भाई मैं बोल रहा हूँ अपनी रिस्क पे बोल रहा हूँ, और मैं बोलता रहूंगा जब तक मेरा मेरे अंदर ये जुनून है, जज्बा है, मैं आपके लिए खड़ा हूँ यार। ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, हर जगह मैं चला रहा हूँ भाई, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए और इन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचा दीजिए, जिससे इनके भेजे में घुस जाए कि सच बताऊँ तो इन लोगों को मिल रहा था पीछे से फंड, अब वो कोई पार्टी से मिल रहा हो या कोई धन अकेडमी से मिल रहा हो, तब ये लोग आपके लिए अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपके लिए नहीं अपने लिए, जिससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, इधर उधर इंटरव्यू दे दिए। तो भैया ये शर्मा जी चमक गए, अब चमक गए तो ऐसे फुदक रहे हैं, ऐसे फुदक रहे हैं भाई, जिसने तुम्हें ऊपर उठाया वो नीचे भी गिरा सकता है। स्टूडेंट्स की पावर को लेकर तुम इतने ऊपर गए थे ना, वही तुम्हें नीचे लेके आएंगे, क्योंकि तुम उनके साथ नहीं खड़े हो, चाहे वो प्रताप हो चाहे गगन, कोई भी हो, इन्हीं ने हम लोगों का भविष्य खराब किया है, हम लोग इन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। इनके जितने भी सब्सक्राइब किए हो सब अनसब्सक्राइब मारो अभी जाके, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक मारो, जैसे ये कह रहे थे ना जब डिसलाइक करो डिसलाइक करो, तो तुम लोग भी डिसलाइक करो, जिससे इन्हें पता चल जाए कि हाँ अगर हमने स्टूडेंट के लिए नहीं बोला तब इन्हें पता चलेगा। भाई जितने भी टीचर्स हैं सबकी वीडियो तुम्हें डिसलाइक माननी है, लाइक से ज़्यादा डिसलाइक घल जाने चाहिए। कमेंट्स में अपनी यही समस्या लिखो कि हमारे लिए क्यों नहीं बोल रहा है, हमारे लिए क्यों नहीं बोल रहा है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोगों के अब एक डिसीजन बहुत भयंकर हो रहा है उनके साथ, जो है SSC CHSL का उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, इसके लिए हम लोग ट्विटर पे चला रहे हैं अपना कैंपेनिंग, भाई SSC CHSL फॉर्म रिजेक्टेड, और अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया RTI कैसे फाइल करनी है, तो वो। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है, क्या हमारा CGL का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या MTS का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अगर उनका CHSL का रिजेक्ट हुआ है तो क्या आगे उनका MTS का भी हो जाएगा रिजेक्ट, क्या उनका CHSL के साथ साथ CGL का भी हो जाएगा रिजेक्ट फॉर्म। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर चिंता का विषय है, और कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, क्या हमने जो है जो शर्मा जी का प्रोटेस्ट चला था SSC CHSL के खिलाफ, मोदी रोजगार दो ये सब हमने चलाया था, क्या उन्हीं उन्हीं लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो भाई जहाँ तक है बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो वो कह रहे थे हम प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन्हीं लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, और हमारे साथ आज वो ही लोग नहीं खड़े हैं जिनके लिए हमने प्रोटेस्ट करा था, और आज वो ही लोग हमसे दूर हो गए हैं, चाहे वो शर्मा जी हो कोई भी हो, वो हमारे साथ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और उस प्रोटेस्ट के चक्कर में आज हम लोगों के साथ इतना बड़ा लॉस हो रहा है, और आज हम कह रहे हैं कि आज हमारे लिए आवाज़ उठाओ तो कोई नहीं खड़ा है, बस यही एक दुख की बात है। अब उस प्रोटेस्ट की वजह से जो है 75% बच्चों के कमेंट हैं कि मैंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था इस वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया, जिस जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। अब ये बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है, क्या इनका CGL का भी रिजेक्ट होगा, CHSL का भी रिजेक्ट होगा। तो भाई मैं यही कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिन लोगों के साथ हम खड़े थे आज वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं, उन तक ये बात पहुँचाओ कि तुम्हारी वजह से आज हमारा भविष्य खराब हो रहा है उन्हीं लोगों की वजह से। और कुछ CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो हमें से कहते हैं कि उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहा है वैसा क्यों कह रहा है, भाई आप ही बताओ आपकी 1 साल बर्बाद हो रही है यार किसी की वजह से, तो आप उसे क्यों नहीं कहें, कहना ही पड़ेगा दोस्तों। 1 साल क्या होती है एक बच्चे से पूछो, उसका पूरा सब खत्म हो जाएगा, चौपट करियर।
तो भाई बहुत बड़ी बात है यार, इसलिए हम लोगों को कहना पड़ रहा है। और जो सीबीएसई वाले हैं वो डिसलाइक मारते हैं भाई, तो उन्हें थोड़ा आप लोग कमेंट के जरिए बताओ कि हाँ जो बात मैंने कही वो सही है। और अब सीजीएल या एमटीएस का आपका रिजेक्ट हुआ या नहीं ये तो देखने की बात है आगे क्या होता है, लेकिन अगर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया गया और जो है ट्विटर पे ज़्यादा ट्विस्ट मतलब ट्रेंड चलाया गया अपना प्रोटेस्ट, तो जहाँ तक है कि एसएससी आपके लिए फिर से मॉडिफिकेशन का ऑप्शन खोल देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई फाइल हुई तो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन खोला जा सकता है। अगर नहीं होता है तो मैं एक और मेरे दिमाग में अभी जो है इसकी वो है क्या हमें करनी है आगे की स्ट्रेटजी, वो मैं अभी देख रहा हूँ। आरटीआई से अगर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे उस स्ट्रेटजी पर काम